इंदौर के गांव में मिलेगी व्यवसायिक गतिविधियों की छूट, शहर में नहीं कोई राहत। इंदौर के ग्रामीण इलाकों में खुलेंगी शराब की दुकानें, कलेक्टर ने अधिकारियों से की चर्चा। प्रदेश में कोरोना का एपिसेंटर बने इंदौर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन लॉकडाउन को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में 18 मई से देश भर में लॉकडाउन 4.0 भी लागू हो गया है, जिसे 31 मई तक बढ़ाया गया है। इंदौर कलेक्टर की माने तो इंदौर में लॉकडाउन के नए वर्जन में कुछ जगहों पर थोड़ी नरमी बरती जा रही है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर शहर में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर के आसपास के 29 गांवों में दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, 29 गांवों में जो कल आदेश किए हैं, इसमें वहाँ पर जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, कई सारे ट्रेडिंग हैं, गोडाउन आ जाते हैं, जैसे रसोड़िया के गोडाउन आ गए अपने, वो समय भी बिना अलग से पृथक से परमिशन के ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो सकती हैं। ये सारी एक्टिविटी संचालकों को पृथक से अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 29 गांव में जो स्थापित हैं, ये गोडाउन की वर्किंग और इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग में जो संचालक लोग, चूँकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए वो उसमें जो समय देंगे उसमें काम कर सकते हैं वो लोग। पर जो व्यावसायिक संस्थान अन्य है, या शोरूम हो गया, या कोई मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग शॉप हो गई, इनमें कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हो गई, ये 11 से 5 ही खुल सकेंगी केवल, उसके बाद नहीं खुल सकेंगी, उससे पहले नहीं खुल सकेंगी 11 बजे से। इनमें जो क्लोज्ड कैंपसेज हैं, इसके अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, कई जगह लॉन्ड्री शॉप्स रहती हैं, वो भी खुल सकेंगी। और किंतु जो फल सब्जी का वितरण है, वो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में किराना में जाके सामान लेना, फल कहीं बाहर से अवैध रूप से लेना, या सब्जी कहीं अवैध, इससे बहुत सारे केसेस आए हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में। तो किराना की दुकान और फल सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उसमें ऑर्डर मेंशनड है। किंतु क्लोज कैंपसेस के अंदर अगर ऐसा कोई संस्थान है, क्लोज कैंपस में अगर कोई कन्वीनियंट शॉपिंग है जिसमें कि किराना है, सब्जी है, फल है, तो उसके लिए हम उन्होंने मना नहीं किया है। पर क्लोज कैंपस से मतलब ये है कि ऐसी गेटेड कॉलोनीज जिसमें बाउंड्री वॉल लगी हुई है, और गेट पे एंट्री एग्जिट कोई ना गार्ड लगे रहते हैं, एंट्री एग्जिट कंट्रोल हो रही है। इसके तहत काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो भरोसला जैसी जगह पे है, जो कई 29 गांव में है, जो देवासना का आपका ऑलमोस्ट लसुड़िया में होने से ऑलमोस्ट पूरा ही फ्री हो जाता है काम करने के लिए, पृथक से अनुमति देने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को भी हम लोगों ने खोला है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो एंटरटेनमेंट के एरियाज हैं उनको छोड़ करके, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कोई शादी ब्याह सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई हाट बाजार, ये सब अलाउ नहीं किया है हम लोगों ने, जहाँ कोई भीड़ इकट्ठी हो सकती है। और बाकी सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सारे शोरूम्स जो नगरी क्षेत्र हैं, इसमें दुकानों का संचालन SDM रेगुलेट करेंगे। पर हमने ये इसमें लिखा है कि नगरी क्षेत्र जो हैं, राऊ हो गया, महू नगरी क्षेत्र हो गया, गोपाल गौतमपुरा बेटमा देपालपुर साबिर, नगरी क्षेत्र के में जो आवासीय रहवास है वो अभी लॉकडाउन में रहेगा। किंतु जिस समय दुकानें खुलेंगी, मान लीजिए किराना की दुकान डेली 2 घंटे खोलने का SDM साहब निर्णय लेते हैं वहाँ पर, तो 2 घंटे के लिए लोग वहाँ किराना दुकान तक जा सकेंगे केवल, इतना तक फ्रीडम दी, बाकी लोग घर पे रहेंगे। अभी एक स्थिति ये रहेगी सर कि अगर कोई इंदौर शहर में रहता है, उसका ग्रामीण क्षेत्र में दुकान है, तो उसको क्या अलग से अनुमति पास से इसमें कैसे लेना पड़ेगा? जब तक कि कलेक्टर द्वारा जारी पास नहीं होगा उसका, वो ग्रामीण ये नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। उसमें भी पुलिस के साथ चर्चा हुई थी, और ऑर्डर मेंशनड है कि जो भी ग्रामीण सीमा है हमारी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की अभी बैठक हुई थी, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और माननीय ताई ने ये सजेशन दिया था कि जो शहर में चीज़ें हैं सब कोरोना की, ये ग्रामीण में नहीं जानी चाहिए, और शहर से बहुत सारे लोग ग्रामीण में जा रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी था। उसके लिए ये शहर की सीमाएं सील की हैं, जितने भी ऐसे मार्ग हैं, आज सभी ADM और एडिशनल SPs और SP साहब वगैरह लगे हैं दोनों, कि जितने भी सीमाएं हैं, रोड्स हैं जो जाती हैं शहर से ग्रामीण में, सारों को सील कर रहे हैं। PWD को लगा रखा है हम लोगों ने इसमें सपोर्ट के लिए, और ग्रामीण के जो पंचायत सचिव हैं या जो हमारे ग्राम कोटवार हैं, इनको भी ड्यूटी लगा रहे हैं, जो पंचायतों की जो बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ से लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल। और अगर किसी के ऐसे केसेस आते हैं कि यहाँ रहता है शहर में, ग्रामीण में दुकानें नहीं जा सकता जब तक कि हम लोग के पास नहीं होगा कोई, हमने बैंक्स को भी 29 गाँव में फ्रीडम दी है कि बैंक रविवार लोग कर सकेंगे। पर व्यक्ति जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर उसका किसी का है, कोई निपानिया में रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर उसके घर की जो निकटतम ब्रांच होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ से वो सम्व्यवहार अपना कर सकता है। किंतु अगर 29 गांव में वहाँ पर नहीं है कोई उस निपानिया में, तो ऐसा नहीं है शहर के अंदर आके वो सम्व्यवहार कर सकेगा, नहीं है तो फिर नहीं कर सकेगा वो। पर अधिकांश जगह पर ब्रांचेस हैं, लोग कर सकते हैं सम्व्यवहार।
तो बैंकों को भी हम लोग ने छूट दी है कि इस प्रकार का सम्यवहार हो सकेगा, ब्रॉडली यही है। इसके अलावा सर एक शराब, देखिए शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगे, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूंकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो आज मैंने ग्रामीण के जो एक्साइज की टीम है हमारी उसको बुलाया है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व रहता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा उससे, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें हैं, खोल सकें, पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलेंगे भी। तो प्लानिंग क्या होगी, कुछ हमने सोचा? 8:30 बजे हमने एक्साइज की टीम बुलाई है कि किस प्रकार से उन दुकानों को मैनेज किया जाएगा, एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया है जो लोग डील करते हैं वहाँ पर, कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए करेंगे, मुझे लगता नहीं कि बहुत दिक्कत आएगी, मैनेज कर लेंगे। सर लॉकडाउन 4.0